इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने वज़ीर दाखला बलोचिस्तान मीर ज़ियाउल्लाह लांगो को डी नोटिफाई कर दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का हल्का पीबी 36 के गजक और जोहान के 7 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का हुक्म दिया गया है। तफसीला जानते हैं रजा रहमान से। रजा बताइएगा। जी, ये बलोचिस्तान असम्बली का हल्का पीबी 36 है कल्लात। यहाँ से फरवरी 8 फरवरी को जो कामयाब हुए थे बलोचिस्तान अवामी पार्टी के ज़िया लांगो को कामयाब करार दिया गया था, जिनके खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जमीयत उलमा इस्लाम के मीर सईद लांगो ने दरख्वास्त दायर की थी। और आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल जिसके जस्टिस अब्दुल्ला बलोच की अदालत ने जो है वो ज़िया उनकी दरख्वास्त के ऊपर जो है फैसला सुनाते हुए ज़िया लांगो जो है उन्हें जो है उनको डी नोटिफाई किया है। और साथ ही उन्होंने हुक्म दिया है अदालत ने कि 7 पोलिंग स्टेशन है गजक और जोहान के, वहां पर दोबारा पोलिंग की जाए। और साथ ही उन्होंने उनके कलमदान, क्योंकि वो वजीर दाखला बलोचिस्तान है, उनको उसको भी मुअत्तल कर दिया है। और साथ ही ये हुक्म दिया है कि जल्द से जल्द जो है यहाँ पर इलेक्शन जो है कराया गया और उसके बाद जो है उनको काम करने से भी रोक दिया गया। जी रजा रहमान, ब्यूरो चीफ कोयटा, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपका शुक्रिया।